इस वीडियो में आपको बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत ही खुशी का विषय है। यहाँ पे आप अपने फ़ोन में टाइप कीजिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, www.bssc.bih.nic.in। ठीक है, इसको आप सब जानते हो, बिहार कर्मचारी आयोग की ये जो है वेबसाइट है। जो नहीं जानते हैं वो इसको जो है ओपन करें, और अगर आप इसमें इस तरीके का इंटरफेस यानी होम पेज आपके सामने जो है खुल के आ जाएगा, और आप देखिए इसमें आयोग के कार्य यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देखिए कुछ आपको मिलेंगे आपको देखने के लिए। साइट इंडेक्स के अंदर होम पेज, आयोग के कार्य, भाग्य पत्र, आदेश, तो इन चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं है। परिसंपत्तियों की विवरणी ये भी नहीं, निविदाएं ये भी नहीं। ठीक है, तो ये बिहार कर्मचारियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए एक सुविधा है कि ये जो है हिंदी में जो है वेबसाइट कमी देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है साफ साफ हिंदी में लिखा गया है। तो आप जो है आपको जो है सूचना पट में आप जा सकते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। और आप जब सूचना पट में जाएंगे, एक सेकेंड, तो सूचना पट में आप जाएंगे तो इसमें देखिए आप आपके सामने इस टाइप से पेज खुलेगा। अभी इसमें शायद इसमें क्लिक नहीं हुआ है, अब जाके हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी नवीनतम यानी कि न्यू जितनी भी अपडेट्स होती है ना, वो इसी वाले पेज पर आती हैं। तो आप देख सकते हो 31 जनवरी को एक विज्ञापन संख्या BSC 2/2020 बायोमेट्रिक के लिए इसमें एक नोटिस जारी किया गया, नोटिस रिगार्डिंग इनवाइटिंग टेंडर नंबर BSC। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में, और इस तरीके से ओपन होके ये इस फॉर्मेट में इसमें आप देख सकते हैं खुल जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ कुछ रेक्टिफिकेशन यानी इरर, कुछ गलती को सुधारने के लिए ये जो है लिखा गया है। शुद्धि पत्र आयोग के निवेदा ज्ञापन 286 दिनांक 29 जनवरी 2020 द्वारा बिहारी कर्मचारी आयोग पटना के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं जो है इसमें डिजिटल फोटोग्राफी कराने से संबंधित निविदा संख्या BSC 2/2020 बायोमेट्रिक से वर्णित वित्तीय वर्ष 2020 से किसके स्थान पर भूल वर्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 अंकित हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन यानी इरर हो गया था, उसको रेक्टिफिकेशन किया गया है। अतः उक्त निविदा में वर्णित वित्तीय संख्या 2018-19 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 पढ़ा जाए। तो ठीक है, ये आपके ज़्यादा काम का नहीं, ये तो होता रहता है। तो चलिए, आप जो है आपको रिजल्ट की अपडेट जो मिलने वाली है उसमें अगर हम देखें तो उसमें आप देखिए सूचना पट के ही नीचे जो आपका 17 जनवरी 2020 को आप लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पे, तो यहाँ पे उसमें तो आपने सब लोगों ने ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन को रीड कर ही लिया है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपकी नज़र इस पे टिकाना चाहूँगी, और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे डेट लिखी हुई है 20/2 यानी 20 फरवरी 2020, ये संभावित नहीं है। यही गुड न्यूज़ है कि ये संभावित नहीं है, इस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। तो डोंट वरी, आपका रिज़ल्ट आएगा, और ये संभावित डेट नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जो भी सूचनाएं मिल रही है उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट 20 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नया विज़िट आपने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही आपका रिज़ल्ट निकले वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। थैंक यू।